मेरे कजिन्स मुझे बोल के गए जब तक ये लोग वापस आए तब तक मुझे जिंदा बचना है। आइए दोस्तों, आके मेरी छोटी बहन की वैनिटी में से चीजें चोरी करते हैं। नहीं मिली जी, नहीं मिली। नमस्ते, मेरे चैनल का स्वागत है। आई एम गोपाली एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। वेलकम टू एन इंडियन फैमिली व्लॉग। ये जो आप बर्तनों की आवाज देख रहे हो, ये मेरी माता जी कर रही है जानबूझ के। देखो देखो देखो, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी, चाहती नहीं मैं अभी इनको व्लॉग में। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। पता है इनकी ना बेस्ट फ्रेंड आई हुई है यहाँ पे, मेरी बड़ी मम्मी, तो ज्यादा खुश चल रही है आजकल। हेलो बड़ी मम्मी, हेलो। तो पता है ये ऐसा हो गया कि अभी ना हमें खाना भी इतना टेस्टी टेस्टी मिल रहा है, हमें इतनी सारी वैरायटीज ऑफ खाना मिल रहा है, हर रोज नया नया नाश्ता मिलता है हम लोगों को। बना डोसा, डोसा बनाऊं क्या मैं? दो दो मम्मी होने के बावजूद मैं डोसे बनाऊं? गाइज ये यहाँ पे मैंने बताया ना, बड़ी सारी चीजें बनी। यहाँ पे दही बड़े बनने की तैयारी हो रखी है, यहाँ पे हांडवा बनने की तैयारी हो रखी है। मुझे हांडवा बड़ी मम्मी के हाथ का बहुत पसंद है, बड़ा टेस्टी बनता है। बड़ी मम्मी अपन एक दिन हांडवा की रेसिपी मेरी जनता के साथ शेयर करेंगे, आपके वाले हांडवा की रेसिपी। बड़ी मम्मी मेक्स यम्मीएस्ट हांडवा, एकदम मजा आ जाए। हेलो जी, वेलकम टू कुक विद गोपाली। कुक विद गोपाली आज बन रहे हैं गर्मा गर्म घी रोस्टेड डोसा। ये ले बहन, गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बाय शेफ गोपाली। थैंक यू बड़ी मम्मी, बना दी थी। ये नलायक बड़ी मम्मी, किसने बनाया डोसा? हाय राम, देख लिया? मुझे थोड़ा कच्चे लग रहे हैं। ये कच्चे लग रहे हैं, निकल निकल। गाइस वेरी रेयर मोमेंट आज, सब वैसे आंटी और मम्मी हमें भाकरी मिलके खिलाते हैं, आज हम बना के खिलाएंगे सबको डोसा। ब्रेकफास्ट बाय गोपाली। ये देखिए गाइस, मास्टर शेफ का दिन नहीं है तो ये आज अच्छा खाना बना रही है। यस वेरी क्यूट गाइस, चंपी हो रही है सुबह सुबह, देख रहे हो आप? फुल जलसे चल रहे हैं मेरे। मुझे ना मेरे बालों में इतनी ज़्यादा, मेरा स्कैल्प ड्राई हो गया था और मैं बिना तेल डाले बाल धुले जा रही हूँ, तो बहुत गंदे हो गए थे। हेलो गाइस, मस्त चंपू बन के हम बैठ चुके हैं, थोड़ा सा काम काज हम कर रहे हैं। ऋषि बेन ने हमें ज्वाइन कर लिया। हेलो ऋषि बेन, ऋषि बेन आज बहुत ज़्यादा संत बन के आई हैं और ऋषि बेन चाहती हैं कि हाँ आशीर्वाद भी दे रही है। ऋषि बेन की मैं हैंड मॉडल बनी हूँ, इसको कुछ स्टोरी वोरी रिकॉर्ड करनी है जिसके लिए मेरे सुंदर हाथों की ज़रूरत है। लिटरली इस टाइम पर मेरे हाथ मेरी शक्ल से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एकदम से मैं उबला हुआ आलू लगने लग गई हूँ। चलें जी ऋषि बेन, हमारे थोड़े से काम शाम हो चुके हैं, थोड़े से चल रहे हैं वो देखो। अब सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं आज अहमदाबाद, आज है फ्राइडे और संडे को हम लोग मैच देखने जाने वाले हैं आईपीएल का। जानवी रैंडमली एक दिन नींद से उठ के सुबह सुबह बोलती है मुझे मैच देखने जाना है, मुझे हार्दिक पांड्या को देखना है, मुझे मैच देखने जाना है। और इसमें हम सारे कजिन्स को ग्रुप में फ़ोन करके मचा दिया था और जब तक टिकट बुक नहीं हुई थी तब तक ये मचाई रही थी। तो अब हम लोग फाइनली मैच देखने जा रहे हैं, मम्मी पापा भी जाने वाले, हम सारे कजिन्स मिलने वाले, तो मज़ा आने वाली है। हम कजिन्स मकर संक्रांति के बाद बड़े टाइम बाद मिल रहे हैं, तो ऐसे फुल जलसा पार्टी चलने वाला है अभी। मतलब बेसिकली मुझे कपड़े निकालने, मैं मैच देखने जा रही हूँ पहनने के लिए, जानवी ने निकाल लिए हैं, हमें भी थोड़ा सा हीरोइन बनना पड़ेगा। और आजकल मैं लगने भी लग गई हूँ हीरोइन, विद गुड स्किन विद गुड हेयर। अभी चंपू लग रही हूँ, वो बात अलग है क्योंकि प्रोसेस चल रहा है ना अच्छे लगने का। अभी बाल बाल धुल के भी मैं आऊँगी ना तो आपको पता चलेगा। तो हमें वो सारी चीज़ें करने जाना है, तो फिर हम पहले तो थोड़े से कपड़े शपड़े निकाल लेते हैं। हेलो जी, मस्त एकदम गुड गर्ल बन रही हूँ। मुझे नहाने में इतना लेट हो गया था और इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि मैं मस्त अपनी बाथरूम में किचन में आ गई हूँ लंच करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी पैकिंग शैकिंग करने लग गई थी और थोड़े शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाने लग गई थी, मतलब एडिट करने लग गई थी, तो पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। आज बनी है कढ़ी चावल रस और वो सारी चीज़ें। मम्मी को कन्विंस कर रही है कि रात को घर पे लेट आने की परमिशन दी जाए। गेट अप एंड स्ट्रेट, आप ये नहीं उठाए तो मुझे फोन करो, मैं ऐसे साधु का अवतार लेके आई है ना आज आपको मनाने के लिए। यू कैन गो। हेलो जी, हमारा लंच वंच हो चुका है, काम वाम हो चुके हैं। अभी मैं बूढ़ी बेटी ऋषि हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमें एक आध दो चीज़ें खरीदनी है थोड़े शूट वूट के काम के लिए जो हमें आके करना है। एंड बाकी दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। मैं ना थोड़ी पतली हो गई हूँ, आई लॉस 7 kg ऑफ वेट, तो अच्छा देखा 2 kg बढ़ भी गया होगा, मैंने मेजर नहीं किया है। बट इस हॉट एरा में मैं मेरी जिंदगी बड़ी ही मज़े से जी रही हूँ, आई एम लविंग इट। दो मैंने कुछ ऐसे डाइट शाइट नहीं किया तो प्लीज़ डोंट आस्क मी दैट, बट येस पता है वो एकदम इन्फ्लुएंजा फील देते हैं ना, ऐसे ढीले ढीले पैंट्स विथ अ गंजी एंड सम इयर रिंग्स। बूढ़ी बेटी का आज मैं आपको आउटफिट दिखाऊंगी।
इस पैंट को पैराशूट पैंट बोलते हैं। लटक जा, उड़ जा। मैं आई थी बाहर थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो मुझे थोड़े से पैंटी लाइनर्स वगैरह और ऐसी बेसिक मेडिकल स्टोर से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी जो हमने ले ली हैं। और अब हम जा रहे हैं घर। वैसे 4:45 हो चुके हैं, हमें 5 बजे निकलना है क्योंकि हमें 8:00 वडोदरा से सेलू मैडम को भी उठाना है। सो सेलू इज माई कजिन टू सम ऑफ माई न्यू सब्सक्राइबर्स। हमारी पैकिंग हो चुकी है, इसको हम कर देते हैं बंद एंड चले जी, लेट्स गो। ये स्टिकर निकल ही नहीं रहा है, ये ना हम बाली गए थे तब लगा दिया था, ये निकल ही नहीं रहा, इसको नेल रिमूवर से छुटाना पड़ेगा हमें। गाइज, मैं जो आपको हांडवा बता रही थी ना, वो हांडवा बढ़िया सा तैयार हो गया है। ये क्रंची क्रिस्पी हांडवा है, इसके ऊपर जो तिल बिल पड़े ना वो थोड़ा सा टेस्ट करना तो बनता है। बड़ी मम्मी गाइज, हमारे घर में घर एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। मम्मी बड़ी मम्मी के घर अहमदाबाद रहने जाने वाले और बड़ी मम्मी यहाँ रहने वाले हैं। बढ़िया। दो आलू से पापा की दुकान पे हम लोग डाका डालते हुए, दो नहीं चार चार गाइस, हम ऐसे निकल ही नहीं पाएंगे। हमें 5 बजे निकलना था, 6:45 हो चुकी है अभी, तो हम पहले स्टॉप पे रुक गए। अहमदाबाद 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 अहमदाबाद। हेलो, वी आर इन द कार ऑन रोड। व्हाट टाइम बाद हम जा रहे हैं ना, व्हाट टाइम बाद हम ऐसे रोड ट्रिप पे निकले हैं। मजा आ रही है फुल। पापा भी हमें ज्वाइन करने वाले थे पर पापा हमें डायरेक्ट संडे को ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारा एक शूट है, तो पापा बोर हो जाते हैं, इसके लिए पापा हमें थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। लेट्स गो। लाइफ में बहुत इजी रास्ता है हमारा, लेकिन हम पता नहीं कौन सी पटरियां पार कर रहे हैं। इतना बढ़िया है ये ना, हम बहुत सालों पहले जाया करते थे जब मोदी जी ने हाईवे नहीं बनाया था, और अब देखिए अब यहाँ से किधर जाना है। हमें पता नहीं कब हाईवे मिलेगा। मैं अपने ही सिटी में कैसे घूम सकती हूँ, मुझे नहीं मतलब अपने घर से हाईवे का रास्ता बच्चे को भी पता होता है। और पता है जो रास्ता मैं बहुत रेगुलरली जाती हूँ, बट वो नहीं, आज ऐसा हो गया नहीं, कभी नहीं होता। एक तो मेरा ये जो पैसेंजर प्रिंसेस बन के बैठती है ना, मैं बता रही हूँ लेफ्ट निकल गया है, उसके बाद मैडम जी को रियलाइज हो रहा है अरे दीदी तो लेफ्ट भी लेना था। ये देखो ये स्टंटमैन भी, इनको यही बनना है, रोहित शेट्टी के हीरो आए बड़े। And it is Handwa time और मैडम जी बहुत नाटक कर रही है। सारे ये लहसुन की चटनी, ये आलू सेब एंड ये हांडवा, तीनों को इक्वल प्रपोर्शन में एलिमेंट्स स्पून में आने चाहिए ताकि वो बाइट में आपको सारे टेक्सचर्स और फ्लेवर्स फील हों। यू नो मास्टर शेफ बन गया ना, तो सारे फ्लेवर एक साथ आ जाएंगे। हेलो जी, ड्राइवर गोपाली को अब बहुत मजा आ रही है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। रोज जब खाली मिलते हैं ना तब गाड़ी चलाने में बहुत मजा आती है, और मुझे तो पर्सनली बड़ी मजा आती है इससे खाली रोड पे से ड्राइव पे निकल जाओ। सो भी वही हो गया है क्योंकि मिड वीक है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिल रहा है अब तो। मस्त गाने बजाते हुए तेनू यार ना मिले करते मस्त जाम करते हुए जा रहे हैं। मम्मी सो रही है। यस, मैं सो रही हूं। दीदी को गाने सुना रही हूँ, गाड़ी के ट्रक नीचे भाई साहब, मैंने मतलब कोई गाने नहीं सुने, जानवी मेरे को एक एक ऐसे ऐसे गाने आके सुना रही होती है। यू नीड अ यंगर सिबलिंग फॉर दिस, क्योंकि आप तो वही गा रहे होते लड़की क्यों न जाने क्यों, लड़कों सी नहीं या प्रिटी वुमन वाले एरा में आप जी रहे होते। 43 किलोमीटर रह गया है, मेरी गाड़ी में भी थोड़ा सा फ्यूल खत्म हो चुका है, मेरे अंदर भी थोड़ा सा फ्यूल खत्म हो चुका है, मुझे तो भूख लग रही है। बट गाइस, ये बहुत गाड़ी चला लेती है, 5 घंटे से चलावा चलाव मचाए, और इधर मैं ऑलमोस्ट लेट चुकी हूँ। ये सही बात है, ये बहुत चला लेती है, बहुत चला लेती है। क्या खाना है वो ही मैं खिलाऊंगी। सोफिया से बात कर रही है मुझसे, क्या बापरे, आज पूरे दिन यही सुना अभी तक, तो मुझे भी वही भाषा आ गई है रैपर्स वाली। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। सुबह के 8:30 बज रहे हम लोग उठ चुके हैं, तो आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले थे और फूड चैलेंज और स्ट्रीट फूड चैलेंज, बट एक्चुअली भूरी बीट इज नॉट डूइंग वेरी गुड। कल मैंने आपको बोला था मैं सेलू को पिक करने जा रही हूँ, तो सेलू को कुछ मीटिंग आ गई थी, तो वो भी अभी आ रही होगी वडोदरा से, एंड सब लोग ऐसे धीमे धीमे आ रहे हैं। इट इज सैटरडे राइट नाउ, सेकेंड सैटरडे, तो सबकी छुट्टी छुट्टी आज हुई है, सब आराम से सो वो के आ रहे होंगे। सो यस, गुड मॉर्निंग, हेलो मम्मा, हेलो। तो ना के हमें निकलना है, एक छोटी सी मीटिंग करनी है, उसके बाद मेरे को वीडियो बनानी है, उसके बाद हमें भूरी बेटी के साथ एक शॉपिंग चैलेंज बनाना है। लेट्स
स्टार्ट आ रहे और मैं पता है 8 बजे की उठ गई और 8 बजे और मुझे भी इसने 8:30 बजे उठा दिया कि अभी 11 बज रहा है एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग प्राउडली हैविंग सम नारियल पानी. जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना मम्मी ने मेक श्योर किया है कि मैं हर रोज एटलीस्ट 1 ग्लास नारियल पानी पीऊँ और वो हर जगह पहुँच के नारियल पानी की जुगाड़ कर लेती है भाई. आप अपने एजेंडा से हट नहीं पा रही हो मम्मी. मम्मी ने यहाँ पे भी नारियल पानी की जुगाड़ कर ली है तो आप जो भी मेरी स्किन और मेरे अच्छे बाल का राज देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मम्मा राइट नाउ. हेलो जी, हम लोग बूढ़ी बेटी की एक वीडियो फिल्म कर रहे हैं जो आधी हो चुकी है आधी भी हम करेंगे बट हम जा रहे हैं इससे पहले कहीं खाने. वी आर गोइंग काम्बुजा तो हमें शाम भी ज्वाइन करने वाला है. मेरी एपेटाइट कम हो गई है थोड़ी सी तो मेरे को भूख कम लग रही है आजकल बट मेरे को अभी तो भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था. हाँ यार अहमदाबाद में बहुत सारे सब्सक्राइबर सही बात है. हाँ स्टार्टिंग में वो इतनी क्यूट आंटी मिल गए थे हमें फिर उसके बाद एक 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 करके इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते गए भाई. बहुत हमारा दिन बन जाता है जब आप लोग आके मिलते हैं. बेस्ट फीलिंग बहुत अच्छा लगता है. तो बहुत अच्छा गीली गीली पप्पी आपको. चलो जी अब कुछ खाने चलते हैं. आ जाओ गाइस वी आर हियर एट गोर्धन थर्ड. बहुत ज्यादा भीड़ लगी. चलो लेट्स गो. व्हाट इज दिस I'm doing good. So nice to see you again. Same here. So yes, we're just having some yummy lunch. बहुत जोर की भूख लगी हुई है. I hope you'll enjoy our Gujarati. I am very excited. I love Gujarati food, by the way. And I was really looking forward to meeting you guys for this lunch. Same here. So let's do this. Let's do this. Aaj aaj. He's also a content creator. Oh, you're also a content creator. And he's in Ahmedabad. He's in Ahmedabad as a content creator. Oh cool, so I would like to mention your Instagram handle here. So we know Ayush through our business but now he's also content creator so yeah, you should definitely check it out. Yes, it's called Hunger Pines _ Mumbai. Check me out on Instagram. Oh cool, perfect. इसकी स्क्रीन व्हाइट हो जाती है इसको ये बताना था. ऐसे ऐसे कुछ करते टाइम इसकी व्हाइट स्क्रीन आ रही थी तो बोलती है व्हाइट हो जाती है स्क्रीन. स्क्रीन उसने के साथ लगा दिया. ऐसा मेरे साथ बहुत होता है. मेरे लेटर्स जो एक एक लेटर है ना वो इधर उधर रह जाता है बीच में वो वर्ड अलग. डार्क डेनिम्स पहननी थी ब्लू डेनिम्स नहीं पहननी थी तो मैंने लिखा ब्लू डेनिम्स नहीं चाहिए उन्हें तो इसने लिखा था तो अब क्या करे तो मैंने लिखा कल डार्क लेने गई थी ना तो बोलती है कल ही तो बोला था यही पहनूंगी ना इमली जीन्स. काफी बार इसका मैसेज आता था और मैं लिखता था है आधे टाइम मैं शान को मैसेज करती हूँ मुझे बोलते इसको सही से टाइप करके वापस भेज. हेलो गाइस, तो हम लोग ना एक्चुअली लंच करने के बाद आ गए थे इस होटल पे. हमें थोड़ा सा काम वाम था शूट वूट करना था मेरे चीजों का. यस तो हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है. अब हमें जो जानवी की वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है वो करते हैं. हम थोड़ी देर हंस खेल लिए हैं. जो मीटिंग करनी थी वो हमने कर ली है. सो यार नाउ लेट्स गो. हेलो जी. हेलो वी आर हियर एट लॉ गार्डन. बहुत ही मजा आ रही है. हम एक वीडियो फिल्म कर रहे हैं बूढ़ी बेटी के चैनल के लिए. इट्स सो मच ऑफ फन. बड़े बड़ी सारी चीज़ों की मैं शॉपिंग कर रही हूँ सो आई एम एन्जॉइंग इट. चले जी ये निपटा लेते हैं आज. और गाइज इट इज़ डिनर टाइम जो हो चुका है. डिनर अभी आइसक्रीम पार्टी चल रही है हमारी और ये हमारी कल की टिकट्स आ गई हैं. गुड मॉर्निंग. हाँ बढ़िया संडे मॉर्निंग है. एंड आज रात को ना सपने मैंने भी बहुत प्योर देखे. भूरी बेटी ने भी बहुत प्योर देखे. पहली बार भूरी बेटी सपने में चिल्लाई होगी और उसके हिसाब से मैं ही उसको डरा रही थी. ये मुझे हर जगह विलन बना देती है बस ऐसे. मैं हूँ हीरोइन मटेरियल वैसे. गाइज मेरी तो बहुत ज़्यादा बैंड बच चुकी है ऑल ऑफ अ सडन. तो प्लान में चेंजेस ही हो चुका है कि जिसने प्लान बनाया था मैच देखने का वो घर पे और बाकी सब जा रहे हैं. हेलो यस चलो मजे करना. ऐसा कुछ करना कि मैं तुम्हें टीवी पे देख पाऊँ एटलीस्ट. मेरे कजिन्स मुझे बोल के गए जब तक ये लोग वापस आए तब तक मुझे जिंदा बचना है. हेलो गाइस वी आर हियर. आई एम व्लॉगिंग ऑन बिहाफ ऑफ दीदी और मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ. मेरा पैंट देख. क्या किया तुमने? मैंने मेक्सिकन राइस पूरे गिरा दिए. गाइस ये बिल्कुल पैटर्न लग रही है बट बहुत बुरा लग रहा है मुझे. बहुत अच्छा कमल. हाय एक्चुअली ये और ये मैच हो रहा है.
हाँ, the art and the artist. Guys, जिनके लिए आए वो खेल ही नहीं रहे आज. मैं पहली बार कोई मैच देखने आई हूँ, so I am super excited. शेली की जो अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी. अब लग रहे हैं ना सपोर्टर. yeah. और ये देखो मम्मी मेरे पैंट्स, मैंने पूरे मेक्सिकन राइस गिरा लिए. तू तो पागल है ये. बट मजा आ रही है मम्मी आपको? पापा आपको आ रही है मजा? देख ही रहा हूँ. देख ही रहे हो, चलो बढ़िया. मैंने आप सपने में सांप देखा था, लगता है तू ही था वो. रसल ना तेरे को दो लगा दो उठना है, ठीक है? जनता वापस आ चुकी है और हम बीमार इंसान खिचड़ी खा रहे हैं. ये लोग मुझे मैच बता रहे हैं बैठ के कि कैसा हुआ क्या हुआ. वी आर डूइंग क्लैप्स फॉर गोपाली तिवारी स्पॉन्सर्ड आवर आईपीएल. Guys, I was a sponsor. I planned it कि हम मैच वैच देखने जाएंगे and I was the only one जो घर पे पड़ा हुआ था. और पता है मैंने जो अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई थी वो आइसक्रीम अब सब मिलके enjoy कर रहे हैं. घर में एक सीढ़ी है. ये एक सीढ़ी कुछ काम के लिए रखी गई है. तकिए दे दे. तकिए लेके और आएगी. ये नॉर्मल सीढ़ी है घर पे पर नहीं. क्या करना है? एडवेंचर रोड ट्रिपिंग विद सम कड़ी खिचड़ी. ड्राइवर बदल चुका है. भूरी बेटी इज ड्राइविंग और मुझे जबरदस्ती कड़ी खिचड़ी खिलाई जा रही है. ये रही गर्मा गर्म कड़ी खिचड़ी. और मैं खाना बना के लेके आई थी वो पूरा खाना घर पे ही रह गया. मम्मी जो खाना बना के लेके आई थी हमारा पूरा खाने का बैग घर पे रह गया है. हेलो जी, ये वही दिन है जब हम अहमदाबाद से फाइनली आ गए. सुबह में ऐसी जो मरी हुई सी पड़ी थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ. एक स्टारबक्स की कॉफी. नहीं, मैं बताती हूँ. मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था. फिर मैं घर आई, मैंने अच्छे से शावर लिया और मैं थोड़ी तैयार हुई. मैं थोड़ा बाहर जाने की कोशिश की और इन जनरल मेरे को रस्ते में आते वक्त ही बेटर फील होने लग गया था. तो मैंने ना थाली थूली खा ली थी और मुझे लगता है इसलिए मेरा पेट इतना सारा खाना एक साथ ले नहीं पाया. तो मैं ऐसे बीमार शीमार सी हो गई थी. बट यस, आज हमने सोचा है कि हम करेंगे फुल हीरोइंस बनेंगे. हम अपना ध्यान रखने का हमने सेल्फ केयर प्लान किया हुआ है. तो सेल्फ केयर में हम करने वाले हैं, हमारी जो छोटी बहन है आज सिबलिंग डे है तो हम अपनी सेल्फ केयर में करने वाले हैं अपनी छोटी बहन का पूरा जो वैनिटी है इसको इन्वेड और इसमें से हम कोई भी महंगे महंगे प्रोडक्ट निकालेंगे और लगा लेंगे. ठीक है, दैट इज द प्लान फॉर द डे. आइए दोस्तों, आके मेरी छोटी बहन की वैनिटी में से चीजें चोरी करते हैं जी. तो पहले हम निकालेंगे अपना मेकअप. हमने मेकअप के नाम पर लिपस्टिक लगा ली थी और ब्लश लगा लिया था. बस इधर कुछ नहीं निकला, इधर बहुत सारी लिपस्टिक निकल गई है. हम ना बहुत ऐसे सेल्फ केयर करने से पहले पता है मुझे ना मास्क वास्क लगाने में ना ऐसे स्किन में तो मुझे बहुत समझ नहीं आता पर मुझे अच्छा बहुत लगता है. मतलब मुझे मास्क वास ऐसे बहुत पहले मैंने लगाया था तो मेरे को फुल एक्सट्रीम लड़की वाली फील्स आ रही थी कि यू नो ऐसे वो बंदियां होती हैं ना जो अपनी स्किन की केयर करती हैं, ऐसे मस्त अपने लिप्स मॉइस्चराइज रखती हैं, जो हर रोज रात को ऐसे अपने रूम से बाहर निकलती है फुल स्किन केयर करके, वो वाली फील्स देता है मुझे. तो आई फील बेटर. ओके गाइज, ये कुछ तो रखा हुआ है भूरी बेटी का रिकॉर्ड का फेस मास्क. ओ भाई, ये तो मेरे को बड़ा डरावना सा लगाएगा. जादू 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 जादू
अरे कितना सारा झाग निकल रहा है इसमें से, ये सब क्या हो रहा है? सही तो हो रहा है, इट्स अ बबल मास्क गाइस, देख रहे हो? गाइस प्लीज मुझे अपनी हैलोवीन पार्टी में बुलाओ। कितना आसान है हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी होना, फालतू लोग मेकअप ट्यूटोरियल बनाते हैं, एक ये लगा लो बताओ। पता है वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में आपको कभी कभार जानवर जुनवर बनना था ना, कैसा लगने लग गया हूँ मैं भाई। नहीं नहीं सॉरी बाय सॉरी गाइस, इस नकाब के पीछे एक सुंदर सा चेहरा छुपा हो भाई। हा। आपको इसको जेंटली मसाज करना है आपकी स्किन पे एंड देन रिंस इट ऑफ। गाइस मैं मस्त मुंह धुल के आई हूँ भाई, स्किन अच्छी तो लग रही है, थोड़ी सी ऐसे ठंडक मिली हो आपकी स्किन को, ऐसा आपको फील होगा। पता है मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना व्लॉग करके, तो ऐसा नहीं मेरे को मजा नहीं आती पॉइंटलेस व्लॉग करने, मुझे बहुत मजा आती है। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो उसका उसके पीछे कुछ बड़ा रीजन होता है कि भाई मेरे अंदर लिटरली पिछले 2-3 महीने से, लाइक मैं कह सकती हूँ आपको मिड जनवरी से, मकर संक्रांति के बाद से ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझसे कैमरा उठ ही नहीं रहा था कि मैं व्लॉग कर पाऊँ। तो यार बहुत सारी चीजें चल रही थी, इस चक्कर में वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी। मैंने आपको छोटा सा एक मिनी लाइफ अपडेट देती हूँ, रुको। तो ना मकर संक्रांति के बाद से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सारी चीजें ऐसे एकदम से 2023 ऐसे नोट पे चालू हुआ जहाँ पे लाइफ ऐसे फुल 360 डिग्री टर्न ले रही थी। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं सारी चीजें ठीक करने में लगी हुई थी। फिर मेरा हेल्थ भी थोड़ा इधर उधर हो गया था, सब थोड़ा इधर उधर हो गया था, मेरा काम भी थोड़ा इधर उधर हो गया था। मैंने खुद ने व्लॉग्स बनाने इतने मिस किए, मैं हर रोज सुबह इसी ताकत से उठती थी कि मैं आज व्लॉग करूंगी आज काम करूंगी। मैं निकालती भी थी, मेरे पास ऐसी क्लिप्स पड़ी हुई है जहाँ पर मैंने ऐसे फिल्म किया है, बट क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी लो होती थी कि अब आप लोग मेरे को देखने आ रहे हो, अभी आप लोग ये व्लॉग देखने आ रहे हो, मैं आपको व्लॉग में ऐसे पूरे टाइम अपना रोना ही दिखाती रही, हाय ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी ठीक है ऐसे दिखाने में कुछ दिक्कत नहीं है। पर ऐसे मेरे को ऐसा होता है कि मैं अभी आपको क्या ही मेरा रोना दिखाऊं यार, अभी आप लोग खुद अपने भी रोने से दुखी हो तो अभी आप छोड़ो मेरे रोने को। तो इस चक्कर में फिर व्लॉग भी नहीं हो पाता था, तो मैं ये ट्राई कर रही थी कि मैं 24 आवर चैलेंज वीडियोस कर लूँ ताकि वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, बड़ा अभी बिकॉज आई फील बेटर और चीज़ें मैं थोड़ी सी सॉर्ट भी हो रही हैं, तो फिर आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक टू वर्क। और भाई मैं बता रही हूँ, नथिंग गिव्स मी हैप्पीनेस एज मच एज व्लॉगिंग मेक्स मी हैप्पी। मतलब मैं जब ऐसे पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया हो, आपको इतना गंदा फील होता है, अनप्रोडक्टिव होकर जब सोने जा रहे थे ना बेड पे, यू फील सो गिल्टी। जब मैं वो मैसेजेस पढ़ रही थी कि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, यू गाइस वे थिंकिंग कि मैं आप लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, ऐसा सब मैं कभी नहीं कर सकती। इट वॉज जस्ट आई वॉज नॉट एबल टू फिल्म इट, दैट वॉज द ओनली रीजन। मैं तभी व्लॉग नहीं करती हूँ जब मुझसे नहीं हो पाता है। व्हेन आई टेल आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग, वो दिल से है एक्चुअली, आई लिटरली लव व्लॉगिंग। सो यस, इसीलिए ऐसा सब कुछ नहीं हो पा रहा था, बट अब व्लॉग्स करेंगे हम। पता है ऐसा होता है कि आप ना चीज़ों से, आप अपनी लाइफ से सीखते हो और आप आगे अच्छे से बढ़ते हो। मुझे लगता है मैं और डम भी होती जा रही हूँ उम्र के साथ, उम्र का तकाजा मेरे को उल्टा काम कर रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत बकवास कर लिए मैंने, मुझे नहीं लगता अब एक दिन में इससे ज़्यादा बकवास मुझे करनी भी चाहिए। सो बाय। हेलो जी, आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो गाइज हम हर संडे लाइव आ रहे हैं, इस संडे भी आ रहे हैं और मई में भी हम आने वाले हैं, सो गिव अवेज वगैरह भी होने वाले हैं, तो आप ऐसे चेक रखना चैनल पे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज भी आने वाले हैं। सो आई एम गोना सी इन माय नेक्स्ट वन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइज, टाटा।